आप लोगों को टिकटॉक पे ऐसी वीडियोस नज़र आती होंगी और आप सोचते होंगे कि ये वीडियोस एडिट कैसे की जाती हैं। जी हाँ, तो आज मैं इस क्लास में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए ओरिजिनल कंटेंट। मोस्टली लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप टिकटॉक पे आ रहे हैं तो काइंडली आप लोग ओरिजिनल कंटेंट से स्टार्ट करें। ओरिजिनल कंटेंट बहुत ही ईजीली बन जाता है और मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग लाजमी जो है अपना कोई ना कोई ओरिजिनल कंटेंट स्टार्ट करें। उसका सबसे जो बेनिफिट है कि टिकटॉक पे वीडियोस वायरल करना बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको यूट्यूब की तरह 3 महीने या फेसबुक की तरह 2-3 महीने वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास कोई भी ऑडियंस पहले मौजूद नहीं है, ना ही आपके पास बजट है एड लगाने का, तो सिंपली वे में भी आप 1 मंथ के अंदर बहुत ईजीली ग्रो करेंगे। मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगा इस वीडियो के एंड पे कि आपने काम कैसे करना है। जिन लोगों ने अपने यूट्यूब के चैनल बना लिए 2016, 15, 18 में और वो आज टॉप पे आपको नजर आते हैं, इसी तरह अगर आज आप लोग फेसलेस कंटेंट या विदाउट फेस वाला कंटेंट बनाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप जो है ना 1 साल बाद 6 महीने बाद आप भी टॉप पे होंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी टिकटॉक का एक बूम चल रहा है, आप इस बूम से फायदा उठाएं क्योंकि ये राइट टाइम है टिकटॉक पे ओरिजिनल कॉन्टेंट बनाने का। और जो अभी आप टिकटॉक पे एक अकाउंट बना लेंगे, अगर आपके पास ऑडियंस आ जाती है तो उससे आप मजीद 10 अकाउंट भी बना सकते हैं। मैं आपको अभी एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा लोग कैसे काम कर रहे हैं और आप भी ऐसे ही काम कर सकते हैं। बेसिकली जो आज की क्लास थी वो थी लोकल कंटेंट के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लोकल कंटेंट पे काम कैसे करते हैं। लोकल कंटेंट की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो मैं बताऊंगा कि आप अपना कंटेंट कैसे जनरेट कर कर आप इजीली काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाऊँगा, उसमें सारा बताऊँगा कि कैसे आप अकाउंट को ईजिली 1 मंथ के अंदर वायरल कर सकते हैं। और इस्लामिक कंटेंट पे बहुत ज़्यादा रीच आती है, इस्लामिक कंटेंट पे बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। आप लोग भी इजीली यहाँ पर 1 महीने 2 महीने लगाकर अपनी एक ऑडियंस बना ले, देन उस ऑडियंस को आप मजीद पेजेस बनाकर आप वो ऑडियंस रेंट पे भी दे सकते हैं और अपने काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस एडिटिंग क्लास में जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो है कैपकट। कैपकट बहुत ईजी है एडिटिंग के एतबार से, मोबाइल पे भी अवेलेबल है और डेस्कटॉप के लिए भी अवेलेबल है। और अगर आप कैपकट से वीडियो बनाकर टिकटॉक पे अपलोड करेंगे तो वो आपको ज्यादा रीच मिलेगी एज कम्पेयर टू अगर किसी भी और प्लेटफॉर्म से कंटेंट बनाकर अपलोड करते हैं। आज के एंड में मैं आपको बोनस कंटेंट भी बताऊंगा, कौन से 3 ऐसे वेज जिसको यूज करते हुए आप 1 मंथ के अंदर 10,000 फॉलोअर्स और 100K वॉच टाइम पूरा कर लेंगे। मैं अब आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, उसमें बताता हूँ कि कैसे काम करना है। अच्छा, तो ये मैं आपको इस्लामिक कंटेंट की एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इस्लामिक कंटेंट पे कैसे आप लोगों ने काम करना है। सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने शॉर्ट वीडियोस लेनी है, और दूसरी चीज़ के यहाँ पर ऑलरेडी लोगों ने बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं इस्लामिक कंटेंट के ऊपर, आप लोगों ने वही यूज़ करने हैं। उससे बहुत ईजीली आपका कंटेंट ग्रो हो जाएगा। आप उसमें देखें कि उसमें इंटरनेट से उठाई हुई वीडियो है, देन उसमें कुछ फिल्टर्स लगाए हुए हैं और जो वो बात कर रहा है उसके इसने कैप्शन उर्दू में लिखे हुए हैं। आपके सामने ये एक टेम्पलेट आ गया इस्लामिक कंटेंट का, ये मैं बहुत ही ईजीली यूज़ कर सकता हूँ। मैं कैपकट ट्राई दिस टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ, ये आपके सामने यूज दिस टेम्पलेट इन कैपकट आ गया, मैं इस पर क्लिक करूंगा। और लेट्स सपोज मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है तो सबसे पहले मैं कंटेंट निकालूंगा। कंटेंट ढूंढने के लिए मैं सबसे पहले ओपन करूंगा इंस्टाग्राम को, वहां पर या मक्का या अल्लाह में इस पर कीवर्ड लिखूंगा, उसके बाद मैं इस पर सर्च करूंगा। मेरे पास एक एप्लीकेशन आती है, इसका नाम है ब्लैक होल। ब्लैक होल में मैं जाकर उसके लिंक को पेस्ट करूंगा और यहाँ पर आप कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम से है, टिकटॉक से है या यूट्यूब से है। जैसे आपने लिंक कॉपी करना है, ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए है। अब ये आपके सामने वीडियो मैंने डाउनलोड कर ली है। मेरे पास दुबई की कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं जो मैंने दुबई में रिकॉर्ड की हुई थी। आप भी कहीं की वीडियो भी उठाकर लगा सकते हैं या अपनी वीडियो रिकॉर्ड की हुई वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। मैंने दुबई की एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी और वो वीडियो मैं अब यूज़ कर रहा हूँ। अब ये देखिए, मैं दुबई क्रीट में बोट में सफ़र किया था तो उस पर ये मैंने वीडियो बनाई थी। इवेंट शेयर टू टिकटॉक पर मैं क्लिक करूँगा और देन हमारी वीडियो जो है ना एक्सपोर्ट होकर डायरेक्टली कैपकट पे अपलोड हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद मैं अब यहाँ पर टाइटल लिखूंगा, देन मैं टैग्स लिखूंगा। टैग्स लिखने के बाद मैं कवर सेलेक्ट करूंगा। मैंने कवर सेलेक्ट कर लिया। एक तो ये मेथड है जिसमें आप टेम्पलेट यूज़ करते हैं, सेकेंड आप किसी भी वीडियो की साउंड भी यूज़ कर सकते हैं, वो तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। वो बहुत ईजी है और आपको सिर्फ टाइम देना है और विद इन 1 to 2 months आप ईजीली अपने पेज को मोनेटाइज कर सकते हैं। ये आपके सामने मैंने एक इस्लामिक वॉइस निकाली, देन मैं यूट्यूब के ऊपर गया, वहाँ पर जाकर मैंने क्राफ्ट वीडियोस, सेटिस्फाइंग वीडियोस मैंने टाइप किया। उसके बाद मैंने ये वीडियो सेलेक्ट कर ली, देन मैंने उसका लिंक कॉपी कर लिया और वही मैं उस एप्लीकेशन में आया ब्लैक होल, वहाँ पर आकर मैंने वीडियो का लिंक पेस्ट कर दिया। वीडियो का लिंक पेस्ट करने के बाद मैंने उसको डाउनलोड कर अपनी इस वीडियो में यूज़ कर लिया। यूज़ दिस सॉन्ग पे मैंने क्लिक किया और वो वीडियो मैंने उठा ली।
देन अब इसके पीछे जो इस्लामिक वॉइस थी वो लग चुकी है, और साथ में मैंने इसके ऊपर मैं अब कोई फ़िल्टर लगा देता हूँ ताकि अगर किसी ने ये यूज़ भी की होगी, अगर फ़िल्टर लगाया होगा तो एक तो टिकटॉक इस वीडियो को ज़्यादा पुश भी अच्छा करेगा, अगेन मैं अच्छा सा कवर देखता हूँ और मैं इसका टाइटल और साथ में मैं टैग्स लिखूँगा, देन ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगा। अच्छा ये देखें आपके सामने, ये भी बहुत अच्छी वीडियो है, ये भी इसमें इस्लामिक तिलावत लगी हुई है। और देखिए ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ आपने निकालनी होती है, ये इंटरनेट से ही निकली हुई हैं, तो आपने भी ऐसे वीडियोज़ को देख के जब आप लगाएंगे तो आपकी वीडियोज़ भी वायरल जाएंगी, जैसे आपके सामने ये वीडियो वायरल गई है, इसमें 859 के हाली लाइक्स हैं। तो ऐसे ही आपने भी काम करना है अपनी अच्छी वीडियोज़। तो ये लोकल कंटेंट की बात होगी, इसमें आपको कोई RDP की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप उर्दू ज़ुबान में किसी भी कंटेंट पे काम करना चाहते हैं जो कि उर्दू लैंग्वेज में हो मोस्टली, तो आप इजीली इस पे काम कर सकते हैं। कंटेंट में से भी एग्जांपल के तौर पे मैंने दिखाया, आप किसी भी पॉजिटिव कंटेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रीमियम कंटेंट की। मैं आज आपको 3 मेन निशेज बताऊंगा कि कैसे आपने उनकी एडिटिंग करनी है, कौन कौन से टूल्स हमें जरूरत पड़ेंगे और आपने उसको एडिट कैसे करना है। रेडिट स्टोरीज आती है, और ये जो कॉन्टेंट है रेडिट स्टोरीज गोरे बहुत शौक से पढ़ते हैं। रेडिट एक प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ज्यादा वायरल है USA के अंदर, UK के अंदर और बाकी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट कैसा होगा, और मैं आपको ये अप्रूव्ड पेजेस की एग्जांपल्स दिखाऊंगा पेजेस पे लोग काम कर रहे हैं। 228.7 के फॉलोअर्स हो चुके हैं, और अगर हम इसके देखें ये 3 घंटे पहले इसने वीडियो लगाई है। और एक और चीज जो मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ, कैपकट से एडिटिंग क्यों करें, उसके सबसे जो मेन रीजन है ये देखिए। अब ये जो कैपकट का डॉट एडिट लाइक अ प्रो लिखा है, जब आप वीडियो को कैपकट से एडिट करके डायरेक्टली अपलोड करेंगे अकाउंट के ऊपर, आपका भी ये लिखा आएगा, तो आपकी वीडियो को टिकटॉक ज़्यादा प्रमोट करेगा। ये सामने आपके एग्जाम्पल में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक हो गया। तो आपने अब ये स्टोरीज जनरेट कैसे करनी है मैं ये तरीका बताऊंगा, लेकिन एडिट हम लोग कैपकट पे ही करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप लेट्स सपोज अगर यही कॉन्टेंट आप यूज़ करना चाहते हैं या यही वीडियो आप यूज़ करना चाहते हैं, तो इसका बहुत ही ईजी हल है। अच्छा तो अब अगर मैंने इसका स्क्रिप्ट निकालना होगा तो मैं क्या काम करूँगा, मैं इसका लिंक कॉपी करूँगा, और एक एक्सटेंशन आती है गूगल की, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये मैंने कॉपी किया लिंक, और यहाँ पर आकर मैं इसको, ये एक्सटेंशन है आपके सामने टिकटॉक स्क्रिप्ट जनरेटर एंड वीडियो एक्सट्रैक्टर, ठीक हो गया। ये जो इसमें वॉइस ओवर होगा ऐसी सिंपल आपको स्क्रिप्ट उसमें से निकाल के दे देगा। अब मैं इस पे लेट्स सपोज ये कोई भी वीडियो मैं ओपन कर लेता हूँ, ये वाली वीडियो अगर मुझे चाहिए और मैं वीडियो स्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने जो है यहाँ पर अभी स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगा। ये देखे तो आपके सामने जो है ना ये स्क्रिप्ट आ चुका है, ये पूरा स्क्रिप्ट मेरे पास इसका आ गया। एक ये तरीका है कि अगर आपने वीडियो से स्क्रिप्ट निकालना है तो ये एक्सटेंशन आप खुद भी ढूंढ लीजिएगा, टिकटॉक स्क्रिप्ट जनरेटर एंड वीडियो एक्सट्रैक्टर गूगल क्रोम एक्सटेंशन पर लिखेंगे आपको सिंपली मिल जाएगी, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेकंड चीज, अब आप स्टोरीज रेडिट से भी ढूंढ सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर आऊंगा, ये होती है रेडिट, और रेडिट पे अकाउंट सिंपली आपने बना, समवन स्नक इनटू माय हाउस 15 मिनट्स अगो रियल और 13 डेज अगो, बिल्कुल रिसेंट स्टोरी है। और आप इसको ओपन कर थोड़ा सा पढ़कर यहाँ पर आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और अब मैं यूज़ करने लगा हूँ ChatGPT का। ChatGPT बहुत ही अच्छा टूल है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सिर्फ $20 पर मंथ है, आप लोग लाजमी इसको बाय कर लें। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा और मैं सिखाऊंगा भाई मेक अ न्यू स्क्रिप्ट फ्रॉम फॉर मी फॉर टिकटॉक वीडियो, इसको अपने ऐसे कमांड देनी जैसे आप किसी को कुछ बताते हैं कुछ कह रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा स्क्रिप्ट निकाल लेगा, मेक दिस इन पैराग्राफ, ठीक है। अगर इस तरह से दे भी दे कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं, मैं ChatGPT 4 पेड यूज़ कर रहा हूँ, आप 3.5 से भी ये काम कर सकते हैं, यहाँ पर आकर आप 3.5 पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा आपको ये बड़ा करके दे देगा, देन हम लोग क्या करेंगे इस, अब ये बिल्कुल एक मेरे लिए यूनिक जो है स्टोरी बन चुकी है। मैं क्या करता हूँ यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, और अब आपके सामने यहाँ पर आएंगे 11 लैब्स में। अच्छा जो मोस्टली वॉइस आप सुनते हैं पूरे 11 लैब्स के अंदर, वो ज्यादातर लोग यूज करें एडम की वॉइस, आप लोगों ने भी एडम की वॉइस को ही यूज करना है। ये भी एक पेड टूल है, आप डिफरेंट ईमेल से भी इसको लॉगिन कर शुरू के जो 10,000 वर्ड्स हैं वो इजीली यूज कर सकते हैं। अगर आपने अच्छा काम करना है, अगर आपने क्वालिटी वाली चीज बनानी, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, अदरवाइज फ्री के टूल्स हैं, लेकिन बात वही इसमें वो क्वालिटी या वो जान नहीं होगी वीडियो की जो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और आप ये सर्विसेज भी किसी भी गोरे को दे सकते हैं, आप मुख्तलिफ डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज हैं, मुख्तलिफ चैनल्स हैं, आप वहां पर जाकर लोगों को बता सकते हैं कि आप ऐसी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये स्क्रिप्ट जनरेट होता है तो मैं इसको फिर बताता हूँ। अभी ये देखिए सिर्फ हमें 10,000 वर्ड्स मिले हैं और 900 वर्ड्स मैं यूज़ कर चुका हूँ, ये तकरीबन 900 वर्ड्स हैं मेरे पास ये। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये आप लोग कैसे जो है ना ChatGPT को यूज़ कर
ये स्टोरीज बना सकते हैं। मैंने दो भी बता दिए हैं कि आपने या तो स्टोरी पहले जो लगाई है उसी को कॉपी कर लेना, या फिर आपने अपनी कुछ स्टोरी निकाल ली है और उसको उठाकर आपने चैट जीपीटी पे स्पिन कर लेना थोड़ा सा, और डिफरेंट तरीके आप यहाँ पर उसको कमांड देंगे, स्पिन कर दो, रीराइट कर दो उसको, तो वो आपको ये काम कर देगा इजीली। तो इसमें आपको कोई भी मुश्किल काम नहीं, बहुत ही ईजी वर्क है, थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए और बहुत ही आसानी से ये काम कर सकते हैं आप। इसमें आपको कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आएगा, आप इजीली इस चीज़ को ग्रो कर सकते हैं, और मैं कहता हूँ कि आपके लिए लाइफ टाइम इनकम बन सकती है, और इसमें बहुत अच्छी अर्निंग है क्योंकि ये कंटेंट और टॉपिक टोटली यूरोप का है। सबसे मेन चीज़ है रियल स्टोरी में लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये मैं लाजमी रिकमेंड करूंगा, आप इसको लाजमी करें। हम लोग बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर वापस आएंगे और मैं यहाँ पर ओपन कर लूंगा यूट्यूब को। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ से अब हम लोग ढूंढेंगे मशहूर गेम्स की वीडियोस। अब सबसे पहले जो मशहूर गेम जो लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं और खेलते हैं और अमूमन इन वॉइस के पीछे लगी होती हैं, वो आप पूर की वीडियोस भी लगा सकते हैं। आप माइनक्राफ्ट पार्कर गेम प्ले 20 मिनट्स या 15 मिनट्स 20 मिनट, देखिए अब ये मेरे पास अगर एक वीडियो आ गई है और इसको तो मैं मतलब 15 वीडियोस के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। खैर, एक मैंने ये डाटा आपको निकालना दिखाना था, ये डाटा मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ और मैं आपको वीडियो बनाकर भी दिखाऊंगा अभी। अच्छा, अब अपने अमेजिंग वीडियोज़ पर मैं क्लिक करूंगा या सेटिस्फाइंग वीडियोज़ में लिखूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर अमेजिंग वीडियोज़ भी निकल आई हैं। ये देख रहे हैं आप, ये एक होगी, अब एक ये टिकटॉक से लगी है, लेकिन हमने थोड़ी सी ढूंढनी रिसर्च करनी है। हमारे पास अमेजिंग सेटिस्फाइंग वीडियोज़ बहुत ज़्यादा निकल आई हैं और हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, तो ये भी एक हमारे पास अमेजिंग सेटिस्फाइंग वीडियोज़ है, और उसके बाद अगर हम इनको भी देखें तो इस तरह करके हमें बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिस हमने उनको यूज़ करना है। अब अगर इनको देखें, या मैं लिख दूँ यहाँ पर 1 आवर अमेजिंग सेटिस्फाइंग वीडियो, ये आप डाउनलोड कर कर बैकग्राउंड पे आप इजीली, अब आपके सामने ये गेंडे की वीडियोस निकल आई हैं और आप इजीली इन वीडियोस को यूज़ कर 60 वीडियोस का कंटेंट निकल आया है। अब वॉइस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसको कर लेंगे डाउनलोड और ये हमारे पास डाउनलोड हो गई। अब हम लोग जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास है कैपकट। कैपकट में मैं आपके सामने भी, अच्छा ये मैंने आपके सामने वॉइस ओवर को और वीडियो जो मैंने यूज़ करनी थी मैंने उसको इम्पोर्ट कर लिया। अच्छा, अब इन तीनों के अंदर जो वॉइस है मैं वॉइस को डिलीट कर देता हूँ आपके सामने। ये ऊपर वाली लेयर के ऊपर वीडियो पड़ी, नीचे ऑडियो पड़ी है, और जो वीडियो मैंने डाउनलोड किया उसके अंदर भी वॉइस है, तो मैं उसकी ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया और इनको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब मैं इसकी ऑडियो को सेलेक्ट करूंगा और टेक्स्ट पे जाकर मैं क्लिक करूंगा ऑटो कैप्शन में, कैप्शन भी आ चुका है। अब ये आपके सामने कैप्शंस लिखे आ चुके हैं, तो कैप्शन मैंने लिख लिए हैं। अब मैं आपके सामने कैप्शंस को एडिट करता हूँ। यहाँ पर आपने बेसिक के साथ टैबलेट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पर हमें वो सिंगल वर्ड वाले भी नज़र आ रही है। देखिए, अगर मैं कोई एनिमेशन भी डालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एनिमेशन वाले भी डाल सकता हूँ, लेकिन फिर हमें राइटिंग का साइज अपना सेट करना पड़ेगा। लेकिन ये सबसे बेस्ट है जो कि टेम्पलेट्स हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के हैं और जो आप इनको यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। मैं साथ में बेसिक में गिन जाकर थोड़ा सा इसको बड़ा कर अपनी मर्जी का मैं फ़ॉन्ट भी सेलेक्ट कर सकता हूँ लाइक दिस, और ये आपके सामने है। ठीक हो गया, तो ये आपके सामने मैंने एक रेडिट का शॉर्ट आपको एडिट करना बता दिया। आप इजीली इसको आप उठाकर अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक करूँगा और एक्सपोर्ट पे हम आपने हमेशा 1080p पे ही एक्सपोर्ट करना। ये मैंने आपके सामने भी एक्सपोर्ट पे लगा दिया है, ये एक्सपोर्ट हो रहा है। देन अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने चैट जीपीटी के ज़रिए कैसे जो है ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वाली वीडियोज़ हम बनाएंगे। जैसे ही आप इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपने टिकटॉक पे अपलोड करनी है, यूट्यूब पे अपलोड करनी है। आपने टिकटॉक पे क्लिक किया, साइन इन करेंगे, अकाउंट को अपने कनेक्ट करना है जिस अकाउंट पे आपने वीडियो को अपलोड करना है। देन आपने यहाँ से प्राइवेसी सेटिंग को आकर अपने प्राइवेट से हटा देना है, और देन आपने यहाँ पर कमेंट ड्यूट और स्विच को अलाउ कर देना है। जब आप अकाउंट यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे तो देन आपको यहाँ पर एवरीवन पे ऑप्शन आ जाएगा, और आप एवरीवन को सिलेक्ट करके वीडियो को शेयर करेंगे तो ये वीडियो डायरेक्टली जो है ना आपके टिकटॉक के अकाउंट के ऊपर अपलोड हो जाएगी। ठीक हो गया, ये था एक तरीका कंटेंट को एडिट करने का। ये कंटेंट कहाँ से बनाना, ये भी बहुत ही इजी है, आप बहुत ही इजीली इस कंटेंट को भी बना सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट ब्लो योर माइंड, ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ चैट जीपीटी 4 पर और उसको कहता हूँ कि मुझे आपने जो है ना लिख के देने हैं राइट 10 अमेजिंग फैक्ट्स दैट नो बॉडी बिलीव। ये देखें आपके सामने जो है ना चैट जीपीटी अमेजिंग फैक्ट्स इसने उठाए और वो हमें उठाकर ये दे रहा है। देन मैं अगेन इनको कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद मैं कहाँ पर जाऊंगा, मैं जाऊंगा 11 लैब के ऊपर। अगेन यहाँ से इसको मैं रिमूव करूंगा और नेक्स्ट इस पर मैं क्लिक कर कर मैं वन बाय वन उनको निकालता रहूंगा, या मैं सारे कॉपी कर कर भी लगा सकता हूँ, देन एडिटिंग के टाइम में इनको अलग कर लूंगा। मैं आपको जस्ट ये 4 कॉपी कर कर
इनको जनरेट कर कर अभी मैं आपके सामने निकालता हूँ। एक ये हो जाएगा, अपने ये कोमा दे देना, इससे थोड़ा सा ना स्टॉप हो जाएगा, थोड़ा पॉज आ जाएगा वीडियो के अंदर, आपको पता लग जाएगा कि ये। अब मैं जनरेट पे क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि वॉइस वही है। आपके सामने 10 फैक्ट्स ले लिए हैं। अब 10 फैक्ट्स के बाद हम लोग जो है ना वीडियोस को अगर ढूंढना चाहें कि भाई ये वीडियोस यूट्यूब पे कहाँ पड़ी हैं, तो वो तरीका भी आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर लेट्स सपोज अगर आपको लगता है कि यार ये कंटेंट या ये वीडियो अच्छी है, अब अगर हम लोग लेट्स सपोज ऐसी वीडियोस को ढूंढना चाहते हैं, तो अगेन मैं यूट्यूब पे ही जाऊंगा और यूट्यूब पे ही ऐसी वीडियोस को ढूंढूंगा। जैसे कि ये स्लाइम वीडियोस होती है, अगर हम ये देखें तो ये वीडियो आपके सामने कैसी नज़र आएगी आपको भी बताता हूँ। ये देखें आपके सामने ये वीडियो आ चुकी है, इसको आप अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह के आप जस्ट कीवर्ड लिखेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। ये भी वीडियो क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। सिंपल आपने मीडिया में आना, वैसे मीडिया को इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट करने के बाद आपने जो आपने वीडियोस डाउनलोड की होंगी वो डाउनलोड करके फिर देन आपने गेन कैप्शन क्रिएट करने हैं और वैसे ही वीडियो को बना देना। ठीक हो गया। अगला कंटेंट आपको बताऊंगा वो होगा स्ट्रीमर पॉडकास्ट का। ठीक हो गया। उसमें मैं आपको एक टूल रिकमेंड करूंगा, wizard.ai। आपको ये बाय करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने देखना है कि ये कहाँ पर चीज़ों को बता रहा है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये एक दिन पहले ये पॉडकास्ट पे इसने ये लगाई है और ये देखें एक दिन के अंदर इनको जो है 679.4K व्यूज आए हैं। ठीक हो गया। ये देखें हम पॉडकास्ट में ज़्यादातर ये सीन होता है कि जो सबसे पहले वीडियो लगाता है तो वो उसका ऑनर बन जाता है। आप इसको एडिट करके भी लगाएंगे तब भी आपकी वीडियोज़ चलेंगी। तो मैं आपको सिंपल एक वीडियो भी एडिट करके दिखाता हूँ कि कैसे आपने वो वीडियो एडिट करनी है। अच्छा, मैंने एक पॉडकास्ट डाउनलोड किया हुआ, मैं इसको सिंपली अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर। अगर आपका बिल्कुल न्यू पेज है और आप बिल्कुल भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने लेस देन 30 सेकेंड पे क्लिक कर कर नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना, तो ये भी आपके सामने इसको अपलोड करेगा, फिर इसको खुद ही सब्सक्राइब करेगा, जो सबसे बेस्ट क्लिप्स होंगे वो निकालेगा हमारे लिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ पर कैपकट के ऊपर, करूंगा यहाँ पर मैजिक टूल्स। यहाँ से भी आप लॉन्ग टू शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं, ये भी अच्छा है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें ये भी यूज़ कर सकते हैं। विजर्ड AI जो हमें बताएगा कि भी कौन सा क्लिप अच्छा है, मैं वो क्लिप निकाल लूंगा अभी आपके सामने। अगर लॉन्ग टू शॉर्ट वीडियो ऑटोमेटिकली बनाना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिकली भी ये काम कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने आकर इधर भी अपलोड कर देना, मैं यहाँ पर भी अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद जब वो विजर्ड AI अपना काम कर लेगा देन मैं आपको वो भी बताऊँगा। अब देखिए 9 मिनट्स की ये वीडियो इसने सेलेक्ट कर ली है, मैंने वही वहाँ पर भी करना है कि less than 30 और कन्वर्ट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब ये विजर्ड AI वाला काम ही करेगा, लेकिन विजर्ड AI में वो बेसिकली अच्छे क्लिप्स उठाता है मैंने एज़ कम्पेयर टू टिकटॉक के जो अपना ही है। ये भी वीडियो को एनालाइज कर रहा है, यहाँ पर विजर्ड AI भी क्लिप्स को एनालाइज कर रहा है। अच्छा, ये देखिए ये इसने 6 क्लिप्स बना लिए हैं, और अगर हम इस पे भी आएँ तो यहाँ पर लॉन्ग टू शॉर्ट वीडियो ये देखिए इसने भी हमें बना के दे दिए। अब देखिए बहुत ही ईजी काम है, यहाँ पर हम लोगों ने दोनों से ये काम करवा लिया। अब लेट्स सपोज अगर हमें सेम चीज़ मिल रही है तो हम लोग दोनों को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसमें ये बता रहा है कि जी वायरल स्कोर है जी दी कन्वर्सेशन अबाउट वॉचिंग, जो सबसे पहला जो इसने मैं निकाल के दी है जी आई एम दी ओनली पर्सन डैट नेवर वॉच हैरी पॉटर। ठीक है। अब उसमें अगर हम लोग एक ही वीडियो को देखते हैं और देखिए अब इसमें भी ब्लूटूथ वेस्ट का जिक्र है। अगर आपको ये अच्छी लगी थी वीडियो, आप यहाँ से भी डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको दोनों तरीके से बता सकता हूँ। मैं आपको सबसे पहले यहाँ से बताता हूँ, लेट्स मुझे अगर ये पोस्ट अच्छी लगी तो मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट अपलोड भी कर सकता हूँ। लेट्स अगर मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, मैं इसके अंदर को मज़ीद अपना लोगो लगाना चाहूँ, या मज़ीद इसके अंदर मैं कलरिंग कटिंग में करना चाहता हूँ, कुछ भी मैं करना चाहता हूँ, तो मैं इसके अंदर ये काम ईजिली कर सकता हूँ। अगर मैं ये राइटिंग स्टाइल या जो कैप्शन का स्टाइल है मैं वो चेंज करना चाहता हूँ, मैं ये कैप्शन का स्टाइल रखना चाहता हूँ, तो मैं इजीली कैप्शन का स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। और आपके सामने ये मेरे पास वीडियो है, तो मैं इस वीडियो में अभी आपको एडिटिंग करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं इसमें कोई फिल्टर डालना चाहूँ, जिससे कोई मैं कहता हूँ कि ये इनका फ़ायदा ये होता है कि जब आप इस पर फिल्टर डालेंगे तो अगर किसी और ने भी लगाई हुई और आपने अगर अच्छी एडिटिंग की, ज़्यादा एडिटिंग की होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको टिकटॉक नहीं पकड़ेगा और आपकी वीडियोज़ फॉर यू में जाएंगी। ठीक हो गया। अब ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप, लेकिन आपने प्रॉपर टाइम लगाना है, चीज़ों को एनालाइज करना है, देखना है। और मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ आपके सामने भी, और यहाँ पर मैं टिकटॉक पे क्लिक करूँगा। मैं यही जो टाइटल वो कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं क्वालिटी 1080p रख दूँगा। एक्सपोर्ट पे मैं क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर वो गेन मैं वही पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर मैं लगा दूँगा टैग पॉडकास्ट। ठीक हो गया। FYP हैशटैग वायरल, एवरीवन पे क्लिक करेंगे, कमेंट ड्यू स्टिचेस को ऑन कर देंगे और शेयर पे क्लिक कर देंगे, तो ये वीडियो डायरेक्टली हमारे जो है ना अकाउंट पे अपलोड हो जाएगी।
ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड है, लेट्स सपोज अगर आपको ये स्पेसिफिक, इसमें फायदा ये कि ये थोड़ी सी एडिटिंग भी आपको करके दे रहा है लेकिन ये पेड है, तो आपने क्या करना है, ये कह रहा है जी हैरी पॉटर, तो आपने यहाँ पर ये हैरी पॉटर वाला क्लिप ढूंढ। अब मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ एप्लीकेशन के अंदर। ये हमने वीडियो को बड़ा बनाया हुआ है और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ट्रांसक्राइब में क्लिक करूँगा, वीडियो को मैंने ट्रांसक्राइब कर लिया। उसकी रीज़न ये कि मैं अब एग्जैक्ट जो उसने मैं क्लिप बताया है विजर्ड एआई ने, मैं यहाँ पर जाकर विजर्ड एआई को फाइंड कर लूँगा, ठीक है। अब विजर्ड एआई को बाय करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने यहाँ पर अगर उस पर सर्च करेंगे और वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास है, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हैरी पॉटर की, ये देखें अब ये बात हो रही है 6 सेकंड पे, ठीक है। तो ये मैं मिल चुका क्लिप, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इस क्लिप को ही मैंने यूज़ करना हाली, तो मैं यहाँ पर इसके कैप्शन जनरेट कर लूँगा। सबसे पहले ऑटो कैप्शन मैंने क्लिक कर लिए, और अब इसके मुख्तलिफ मैं क्लिप्स बनाकर सेम उसी तरह कोई भी एनिमेशन डालना चाहता हूँ कैप्शंस के अंदर, वो मैं डाल सकता हूँ, और स्क्रीन को मैं बड़ा कर सकता हूँ। मैं अगेन यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमारे पास वही स्टाइल आ गया। हम कोई भी स्टाइल चूज़ करना चाहते हैं, लेट्स अगर मैं कैप्शन ऐसे लिखना चाहता हूँ तो मुझे कैप्शन ऐसे नज़र आएंगे। ये कुछ प्रो वर्जन वाले भी हैं, अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं तो ये प्रो वर्जन भी। अगर मैं इसकी राइटिंग चेंज करना चाहता हूँ, मैं कुछ भी चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इजीली चेंज कर सकता हूँ, ठीक हो गया। हम मेन पार्ट को भी सिलेक्ट कर कर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये मैं ट्रांसक्राइब पे क्लिक किया, अगेन मैं उस पर क्लिक करूँगा, ये डायरेक्ट वहाँ पर चला गया। मैं इसको स्टॉप करता हूँ और टाइम लाइन को करता हूँ थोड़ा सा बड़ा, ये कंट्रोल का बटन दबा कर मैंने टाइम लाइन को बड़ा कर दिया, और यहाँ से ये शुरू कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर इसको लेने जाना चाहूँ यहाँ तक, तो ये इन दोनों को मैंने क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया, और ये मेरे पास पार्ट आ चुका है। अब मैंने बीच में देखना है कि अगर कोई बंदा बात कर रहा है, कैमरा स्विच होता है, तो मैंने वो कैमरा भी थोड़ा ठीक कर लेना है। जैसा कि ये मेरे पास आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर भी यहाँ पर आऊँगा, मैं अगेन इसको भी कट कर दूँगा और इसको यहाँ पर ले आऊँगा, ये भी ये बात कर रहा है, ठीक है। देन मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, ये आपके सामने मैंने जो है ना एक क्लिप निकाल ली है, बाकी मैं मेन पार्ट मेरे पीछे रह गया, मैं उसको क्या कर लूँगा, अगेन कैप्शन निकाल लूँगा। अब मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया और मैं एनिमेशन पे आता हूँ, यहाँ से मैं एनिमेशन पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ी जाकर मैं राइटिंग बड़ी कर लेता हूँ लाइक दिस। अब अगेन वही सेम प्रोसीजर है, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और इसका नाम चेंज करूँगा, यहाँ पर मैं जो ये आपके सामने एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, अगेन मैं यहाँ पर वही टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखूँगा और एक्सपोर्ट कर दूँगा, उसके बाद शेयर करूँगा, तो ये भी डायरेक्टली अपलोड हो जाएगी यहाँ पर, ठीक हो गया। तो ये था मेरा तरीका आपको बताने का। देखिए इसमें 184 व्यूज़ आ भी चुके हैं, देखिए कितना फेमस है, और इसमें मुझे 8 लाइक्स भी मिल चुके हैं जस्ट आपके सामने। तो रिजल्ट्स आपके सामने अभी से आने शुरू हो गए हैं, अगर आप इनको यूज़ करेंगे, आप भी प्रॉपर वे में काम करेंगे, डेली काम करना, जो मैंने शुरू में बातें बताई हैं कि 60 डेज तक काम करना, तो डेफिनेटली आपको भी रिजल्ट्स लाजमी मिलेंगे, ठीक हो गया। ये तो हमारे टॉपिक्स हो गए जिन पे हमने आज मैंने आपको बताना था कि कैसे आप एडिटिंग कर कर काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कंपाइलेशन का फ़ायदा क्या होता है, कंपाइलेशन क्यों होनी चाहिए। मैं सिंपली एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, अब इसके अंदर 3 से 4 वीडियोस का डाटा कंपाइल कर कर लगाया, अब इसमें क्या पता वीडियो जो हो वो 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, लेकिन अगर आप ये देखें तो ये जस्ट 15 से 10 सेकंड का एक क्लिप है। अब ये दूसरा क्लिप आ गया, देन ये तीसरा क्लिप आ गया, और साथ में देखिए ये चौथा क्लिप आ गया, मतलब तो 3 से 4 वीडियोस को कंपाइल करके इन लोगों ने लगा दिया। अब आप कंपाइलेशन किसी की भी लगा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा वायरल जाती है, आप कैट वीडियोज़ लगा सकते हैं। ये देखें 11.9 मिलियन, ठीक है, ये डिफरेंट है। अब ये देखें, अब इन्होंने नाम क्या रखा है, फनी कैट्स ऑफ टिकटॉक। अब ये हालांकि मुख्तलिफ इन्होंने जगह से उठाई हुई, लेकिन ये लोग डिफरेंट वीडियोस को कंपाइल कर कर एक वीडियो बना रहे हैं, तो इस पर इनको कोई इशू नहीं आ रहा। देख रहे हैं ये वीडियो भी आपको 1 मिनट 6 सेकंड की लगती है, और इतनी देखिए कितनी रीच है, 31.4 मिलियन, 48 मिलियन, 19 मिलियन, 26 मिलियन, 12 मिलियन, 65 मिलियन व्यूज़, ठीक है। तो आप लोग भी इजीली काम कर सकते हैं, टिकटॉक भरा पड़ा हुआ है, आप यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम भरा पड़ा हुआ है, आप इजीली वीडियोस ढूंढ सकते हैं और उनको उठाकर आप कंपाइल करके एडिट कर सकते हैं। लेकिन देखिए अब ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है कि आपको वीडियोस ढूंढना, उसके बाद वीडियोस को निकालना, फिर कंपाइल करना, ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, बाकी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बोनस में मैं आपको 3 मिनट बताता हूँ कि आप कैसे ये काम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप रीपोस्टिंग कर सकते हैं अपने बिगर्स अकाउंट के ऊपर, अगर लेट्स सपोज एक अकाउंट आपने ग्रो कर लिया है, तो आप बड़े अकाउंट्स को
आप छोटे अकाउंट्स को भी बड़े अकाउंट से ग्रो कर सकते हैं। सेकंड, आप फैन पेज बना सकते हैं। फैन पेज की मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा, अप्रूव्ड पेज है ये भी आपके सामने। और उसके बाद आप शुरू में जो है ना, जब भी काम स्टार्ट करें तो आपने शॉर्ट वीडियोस लगानी है, लॉन्ग वीडियोस नहीं लगानी। शॉर्ट वीडियोस इजी वायरल हो जाती हैं, आपको फॉलोअर्स पूरे करके दे सकती हैं। तो 30 डेज के अंदर इन 3 वेज में आप जो है ना ईजीली 10K फॉलोअर्स और 100K वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं। ये आखिरी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके सामने, लेकिन मैं आपको ये पेज मोबाइल पे ओपन करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये किस लिए ये पेज ग्रो किए जा रहा है। इससे आप ये एक पेज शॉर्ट में ग्रो कर कर देन ये लॉन्ग वीडियोस लगाकर रीपोस्टिंग कर रहे हैं। तो ये फैन पेजेस बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं और फिर देन उसको आप रीपोस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑडियंस आपके एक बार बन गई तो आप ब्रांड पे भी दे सकते हैं, आप उनको काम भी बड़े इजीली कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी ऑडियंस होगी तो आप अपनी टिकटॉक की ऑडियंस को रेंट पर देकर या उनकी वीडियोज़ को रीपोस्ट करके काम कर सकते हैं। मैं मोबाइल स्क्रीन पे आपको सारा बताता हूँ कि आपने रिपोस्टिंग कैसे वर्क करती है और कैसे आप इस पे काम कर सकते हैं। मैंने भी वीडियो लगाई थी, ये देखे मेरी वीडियो वायरल होगी और ये 616 जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स आ चुके हैं और 37 जो है ना ये लाइक्स आ चुके हैं ये आपके सामने। अच्छा, तो ये आपके सामने मैंने बॉक्सिंग जैन ओपन कर लिया है। अब आपको देखिए शॉर्ट वीडियो से पेज को ग्रो करने का सिर्फ एक ही मकसद है। देखिए 90 सेकंड की लगी है, देन ये देखिए 1 मिनट की, देन अगर इसको देखिए 54 सेकंड की, 5 मिनट की, 25 सेकंड की, देन 17 सेकंड की, 15 सेकंड की। अब ये सारी वीडियोस ये रीयूज़ या रीपर्पस कर रहे हैं और लोगों के वीडियोस उठा रहे हैं, लेकिन मकसद क्या है? ये 393.7 के का एक पेज बना लिया उन्होंने, ये 1 मंथ 2 मंथ लगे होंगे उनको ग्रो करते हुए। अब ये कर रहे हैं कि हम देखें, अब ये लॉन्ग वीडियोस अपने दूसरे पेज से सेंड करें। हम देखें, अब ये वीडियो पंच फिट्स के नाम से एक पेज है, वो भी 22K फॉलोअर्स पे जा चुके हैं। और ये वीडियो देखें अगर, तो अगर मैं इस वीडियो की आपको लेंथ दिखाऊं तो ये 9 मिनट की वीडियो है। देन अगर मैं आपको इस कंटेंट की वीडियो दिखाऊं तो ये 10 मिनट की वीडियो है। तो ये पूरी पूरी फाइट्स उठाकर ये लोग लगा रहे हैं। देखिए ये 3 मिनट, तो ये अप्रूव्ड पेज के ऊपर फाइट लगा रहे हैं। ना कॉन्टेंट का इशू आ रहा है, ना इनको कॉपीराइट का इशू आ रहा है, क्योंकि ये फाइट्स लगा रहे हैं 90s की जो बहुत पहले लड़ी गई हैं। तो उसमें इनको फ़ायदा ये है कि ये ईजीली कॉन्टेंट उठाकर लगा रहे हैं और ये जो बड़ा पेज है उसे वो रीपोस्टिंग कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको और मज़ीद इसका कंटेंट दिखाऊं, लाइक लेट्स सपोज और पेज इन्हीं का मुझे नज़र आया, क्लासिक बॉक्सिंग ओनली के नाम से, और ये भी रीपोस्ट ही किया है बड़े पेज ने, और ये 14.6K है। ठीक है, तो ऐसे करके आप भी अपना पेज ग्रो कर सकते हैं, एक अपना टिकटॉक का अकाउंट ग्रो कर सकते हैं किसी भी सेलेब्रिटी के नेम के ऊपर। अगर पॉजिटिव काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें मैं आपको बात करता हूँ, ये मोहम्मद अली का। अब देखिए ये 1.4 मिलियन का पेज है, 1.4 मिलियन का पेज है, और ये देखिए रिपोस्टिंग कितनी वीडियोस की कर रहे हैं। ये देखिए कितना कंटेंट आपको ये नज़र आ रहा है, अभी कितने लोग काम कर रहे हैं। ये देखिए ये स्लाइड शो जो मैं आपको बताता हूँ, यार स्लाइड शो पर काम करें आप लोग। ये देखिए स्लाइड शो का, तो ये बोनस कंटेंट है सारा जो आप लोगों को मैं आज बता रहा हूँ। आप लोग इन पे काम करें, 1 मंथ लग जाएगा, आप डेली काम करें। शॉर्ट वीडियोस पे आपको कोई नॉट एलिजिबल भी नहीं आता, आपको कोई इशू भी नहीं आएगा, जस्ट आपने वीडियोस डेली की लगानी, जैसे कि ये लगा रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, वीडियोज़ भी लगा रहे हैं, साथ में स्लाइड शो भी लगा रहे हैं, और फिर वो क्या कह रहे हैं, देखिए अपनी प्रोडक्ट्स भी लगा रहे हैं। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हैं, हुडी के ऊपर मोहम्मद अली की पिक्चर लगा कर ये सेल कर रहे हैं, यहाँ पर भी सेल्स आती होंगी। तो आप प्रोडक्ट्स भी अपनी सेल कर सकते हैं टिकटॉक की, अगर ऑडियंस आपके पास बन जाए तो। जो बंदा अभी ऑडियंस बनाएगा तो वो 1 साल बाद या 6 महीने बाद वो मार्केट में राज कर रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद 3 टॉपिक एडिट करना सिखाऊंगा। उसमें हम AI पे बात करेंगे, AI पे कैसे चीज़ों को ग्रो करते हैं, और उस पर हम बात करेंगे। तो इस तरह करके आप बहुत ही ईजी वे में जो है ना अपने फैन पेजेस ग्रो कर सकते हैं विद इन 1 टू 2 मंथ्स, और बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं।